यहाँ एक खाब पूरा होते ही इंसान नया खाब पूरा करने की कोशिश में लग जाता है। यही सच्चाई है इस शहर की, जिसे कहते हैं खाबों की सरजमीन मुंबई, जहां इंडियन टेलीविजन के सक्सेसफुल स्टार्स ने देखे रॉकस्टार बनने के ख्वाब। आज सचिन, मानसी और कपिल में से किसी एक का ख्वाब बदल जाएगा सच्चाई में। सपनों के पंख हैं और जिद की उड़ान, अब जीत ही बनेगी मेरी पहचान। जिंदगी नाम है जंग, और ये जंग खत्म होगी सिर्फ फिनाले। खुद पे है भरोसा और मेहनत पे है फख्र, इसलिए जीत पे है सिर्फ मेरा हक। आज आपका फैसला तय करेगा इंडिया के रॉकस्टार का नाम, लेकिन इस वक्त आपके नाम है एक स्पेशल परफॉर्मेंस जिसे परफॉर्म करेगा हमारा परिवार। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर स्टार्स टुनाइट। स्वागत है, एक बार फिर से जोरदार तालियां फॉर मारुति सुजुकी ऑल्टो स्टार या रॉकस्टार की पूरी फैमिली के लिए। अनुजी जी, ओहो, आज की शाम तो मतलब क्या बोलूं मैं इसके बारे में, आपकी क्या उम्मीदें हैं आज की शाम को लेकर अनुजी? मोना, मुझे उम्मीद है कि आज इंडिया को ऐसे ऐसे ग्रैंड परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे। ये शाम हम सब की तरह पूरी इंडिया को हमेशा याद रहेगी। तालियां, हाँ तो तालियां बजती रहनी चाहिए रियली। अलीशा, आप क्या कहेंगी? टुनाइट इज द नाइट एंड वी आर ऑल गोना रॉक। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू। आपके वोट्स आज तीन स्टार्स की तकदीर का फैसला सुनाएंगे। किसी एक को आप बनाएंगे रॉकस्टार। कौन होगा वो एक, सचिन, मानसी या कपिल? कौन हासिल करेगा द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो, और कौन घर ले जाएगा ये शानदार ट्रॉफी? Wow.
ख्वाबों की सरजमी पे किसका ख्वाब सच होगा ये पता चलेगा जब आपके वोट्स की काउंटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन फैसले से पहले आएंगे इंडिया के लेटेस्ट सेंसेशन कोलावरी डी के स्टार्स एंड ऑल्सो द हिट जोड़ी ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स विशाल एंड शेखर। और आज की रात आपके चहेते फाइनलिस्ट गाएंगे जाने माने सिंगर्स के साथ जोड़ियों में, यानी ख्वाबों की इस सरजमीन पर होगा सिंगिंग डांसिंग एंड सुपरस्टार्स का बिगेस्ट सेलिब्रेशन। लेकिन सबसे पहले आ रहे हैं द ओरिजिनल रॉक स्टार, द डिस्को डांसर, द ग्रैंड मास्टर मिथुन चक्रवर्ती। Welcome to the show, Mithunda. Thank you, Mona. Thank you so much. ख्वाबों की सरजमीन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मिथुनदा। Thank you. And हमारे ग्रैंड फिनाले में आकर आपने हम सबका उत्साह बढ़ा दिया है। हमारे फाइनलिस्ट से क्या कहना चाहेंगे आप? पहले कहूंगा कि तीनों को ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि तीनों ही जीते, लेकिन तो ऐसा मुमकिन नहीं फिर भी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरा एक दोस्त है और वो दोस्त फिल्म दुनिया में मेरे से सीनियर भी हैं एक्टिंग के नाते, वो है मिस्टर सचिन। ये जो साहब हैं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर वी हैव इन बॉलीवुड एंड सेकंड थिंग आई एम वेरी जेलस। ये जब से देख रहा हूं तब से वो ऐसा कैसे है? सच आपको नजर ना लगे, हैट्स ऑफ टू यू मैन, हैट्स ऑफ टू यू। ग्रैंड मास्टर, हमने सुना है कि आप अपने साथ एक तोहफा भी लाए हैं हम सबके लिए, तो वो स्पेशल गिफ्ट क्या है? ग्रैंड मास्टर हूं डीआईडी का, तो कोई ग्रैंड चीज तो लाऊंगा ही, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सबर। सो जस्ट वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल, अ ग्रैंड धमाका फॉर यू ऑल एंड वी ऑल लव यू दादा, सो प्लीज टेक योर सीट एंड एंजॉय द शो। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। फिनाले तक पहुंचने के लिए सचिन जी, मानसी और कपिल ने बहुत मेहनत की है, जजेस की बहुत सारी चुनौतियों को पार भी किया, जनता की कसौटी का सामना भी किया। लेकिन आज हमारे स्टार्स ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और खुद ही खुद को चैलेंज किया है। अनु जी, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे तीनों जो रॉकस्टार है, मानसी, कपिल और सचिन, ये एक बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंच चुके हैं और मेरे हिसाब से इन्होंने एक अच्छा काम किया। इन्होंने तय कर लिया है कि आज हम जो जबरदस्त प्लेबैक सिंगर्स होते हैं उनके साथ सुर से सुर मिलाएंगे, और उनके साथ सुर मिलाना इतना आसान नहीं होगा, दे आर ऑल प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर्स। और ये बताना चाहते हैं कि हम भी वो हैं जो आप हैं, विच इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग, एंड इससे पता लग जाएगा इनमें से रियल रॉकस्टार कौन है, तो इनके लिए ताली बजाइए।
ओके, यानी आज हमारे स्टार्स जुगलबंदी करेंगे इंडिया के टॉप प्लेबैक सिंगर्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले स्टेज पर बुलाते हैं हमारी उस रॉकस्टार को जिसने जनता, जजेस और गेस्ट का दिल बार बार जीता, चार बार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब हासिल किया और उनके हस्बैंड को एक बार फिर से उनसे प्यार हो गया। प्लीज वेलकम द सुपर टैलेंटेड, द रॉक स्टार मानसी पारेख गोहिल। मानसी, रॉकस्टार बनने का सपना आज पूरा हो सकता है, तो इस वक्त मन में क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और साथ ही साथ दुख भी है इस बात का कि आज के बाद ये मंच हमारे लिए नहीं होगा। एब्सोल्युटली मानसी, आज आपका रॉकस्टार बनने का अरमान पूरा हो सकता है और आपको सपोर्ट करने के लिए आ रही है एक ऐसी प्लेबैक सिंगर जिन्होंने रंग दे बसंती, बैंड बाजा बारात, गुजारिश और रॉकस्टार जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्म्स में प्लेबैक किया है और सारे जहां को बनाया है अपनी आवाज का दीवाना। सो प्लीज वेलकम द सूफी सुल्ताना हर्षदीप कौर। आपने ये गाना हम सबके लिए गाया, ये हम सबका फेवरेट हो चुका है। जी फेवरेट तो ये शो भी है मेरा और स्टार या रॉकस्टार के साथ साथ डीआईडी भी मेरा बहुत ही फेवरेट शो रहा है। मिथुन जी, इट्स एन ऑनर टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। अनु जी, अलीशा जी, आई एम अ ह्यूज फैन एंड स्पेशली दीज कंटेस्टेंट्स जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतने अच्छे कॉमेडियन हैं और इतना अच्छा गा भी लेते हैं, तो आई थिंक हम म्यूजिशियंस के लिए बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है, तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो आज हर्षदीप आप मानसी को सपोर्ट करने आई हैं, पूरी तैयारी जमकर की हुई है? जी बिल्कुल, जमकर तैयारी है। मेरी दुआएं सबके साथ हैं, कपिल जी और सचिन जी के साथ भी, लेकिन मैं मानसी का साथ देने आई हूँ। थैंक यू सर, विश बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड जम के गा दो आज। जोरदार तालियां फॉर हर्षदीप एंड मानसी। जाए कहीं पे
फिनाले परफॉर्मेंस। मिथुनदा, आपको कैसी लगी इनकी ये परफॉर्मेंस? मेरे पास लव्स नहीं है भाई, मैं काश मानसी मेरे पास भी आप ही की तरह ये टैलेंट भी होता। यू आर एन एक्ट्रेस, यू कैन सिंग सो वेल, इवन यू डांस सो वेल। थैंक यू सर। और गाना भी सूफी सुल्ताना हर्षदीप के साथ, वाह, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। क्या बात। थैंक यू सो मच। हर्षदीप, मैं बताना चाहता हूँ, तुम इतनी सुरीली सिंगर हो, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी तासीर है, अलग दुनिया में ले जाती है। और मैं इस बात को मानता था जब मैं रेशमा जी की आवाज सुनता था, अब उसके बाद अगर मैंने कोई आवाज सुनी जो अलग दुनिया में लेके जाती है, वो हर्षदीप है। मैं दिल से कहना चाहता हूँ। और मानसी, आज तुमने इनके साथ सुर ताल मिलाना और इतना सुर में गाना और इतना अच्छा निभाना, मेरे हिसाब से रॉकस्टार जनता इन्हीं को बनाना। एक बार फिर से जोरदार तालियां फॉर मानसी एंड हर्षदीप। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्षदीप। मानसी ने पहला बार कर दिया है, अब देखना है कि कपिल और सचिन का पलटवार कैसा होगा और क्या होगा ग्रैंड मास्टर मिथुनदा का ग्रैंड गिफ्ट। लेकिन ये सारे दमदार सेलिब्रेशंस होंगे बस कुछ ही देर बाद, ओनली ऑन द ग्रैंड फिनाले ऑफ मारुति सुजुकी ऑल्टो स्टार या रॉक स्टार। मैं ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूँ, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मुझे लगता है अब तो पूछ ही लेना चाहिए, ग्रैंड फिनाले आ गया, दोनों को लड़ते लड़ते 10 हफ्ते हो गए, अब तो बताओ कि आपका दिल किसने जीता? तू आजा दिल जानिया, बेकार मेरे बाद
welcome back to the grand finale of Maruti Suzuki Alto Star, Yaar Rockstar. ख्वाबों की सरजमीन पर चल रही है ख्वाबों को सच कर दिखाने की टक्कर, जिसमें शामिल हैं तीन स्टार्स, सचिन, मानसी और कपिल. लेकिन टक्कर यहीं खत्म हो सकती है, क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है कि रिजल्ट आ चुका है. मिथुंदा, ये रिजल्ट के राज से आप पर्दा उठा सकते हैं प्लीज. जी हाँ, रिजल्ट तो मेरे पास ही है, लेकिन मैं तीन चहेते डांस इंडिया डांस के मास्टर्स को बुलाऊंगा. रिजल्ट्स उन्हीं के पास है. मास्टर टेरेंस लुइस, मास्टर गीता कपूर एंड रेमो डिसूजा. से अंदाज से के दुनिया के तू होश उड़ा. वेलकम वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले. और हमें ग्रैंड मास्टर ने अभी अभी बताया कि रिजल्ट आपके पास है, तो प्लीज हमें जल्दी से बताइए कि कौन है हमारा रॉकस्टार. मास्टर गीता, पहले आप. वाओ, सचिन जी, कपिल जी, मुझे बड़ी खुशी है कि रॉकस्टार बनी है मानसी. एक मिनट. लेकिन रिजल्ट तो मेरे पास भी है, और मेरे रिजल्ट के मुताबिक रॉकस्टार है मेरे चहीते द एवरग्रीन कलाकार सचिन. नहीं, एक मिनट. गलत. सॉरी, आप दोनों का रिजल्ट कंफ्यूजन है. ये सही है, मेरे पास जो है वो सही रॉकस्टार कपिल है. कपिल. नो, सर, ऐसा नहीं हो सकता. फॉर मी इट्स सचिन. नो, इट्स मानसी. कपिल द रॉकस्टार. नो, मानसी. एक मिनट, शांति. तीन सीजन्स हो चुके हैं, लेकिन पहले सीजन की तरह लड़ना अभी भी खत्म नहीं हुआ है ना. हम लड़ नहीं रहे, हम प्यार जता रहे हैं. हाँ, मतलब वही जो लड़के प्यार जता रहे हैं, मतलब अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को आप अभी भी दिल से सपोर्ट करेंगे, है ना, जैसे डांस इंडिया डांस में करते आए हैं. ऑफ कोर्स. इसका मतलब रिजल्ट तीनों के पास नहीं है, राइट? तो रिजल्ट आने में अभी वक्त है. फिलहाल आप सबको एक और फैसला तो करना ही है. टिल देन प्लीज टेक योर सीट्स एंड एंजॉय द शो. सचिन जी, मानसी और कपिल में से आज रॉकस्टार कौन बनेगा, ये फैसला होगा जनता के वोट्स की काउंटिंग के बाद. लेकिन अब बहुत बड़ा फैसला करना है आप सबको, क्योंकि हमारे दो स्टार्स के बीच छिड़ गई है एक खूबसूरत हसीना के लिए जंग. देखिए. खूबसूरत आप इतनी हो अलीशा, कहता है ये दुनिया का एक एक शीशा. इंडिया में अगर कोई पॉप स्टार रहा है एक समय में, तो वो अलीशा चिनाय रही है. Her face is like an angel. टंटना टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12. यार ये कोई तरीका है? नहीं, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी आंखों के सामने ऐसी बातें हो रही हैं. दीदी को पिक्चर ले जाना, वैसे ले जाओ अपनी. अरे गाने सुना के क्यों ले जा रहे हो? दीदी अभी तेरी. एक मिनट, मुझे भी एक चीज याद आ रही है. ओ तेरी इतनी गुलाबी, इसका तो नाम गुलाब होना चाहिए यार. ओ तेरी अलीशा जी से तो मुझे प्यार है, तो उनकी तो सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. रब मैं तो मर गया होए शदाए. आई थिंक शी इज डैम क्यूट. वेरी क्यूट. आई लव्ड इट. थैंक यू. आई लव यू टू. थैंक यू. आई सेड आई लव्ड इट. आई डिडंट से आई लव यू. ओह सॉरी. कोई नहीं, शो के एंड तक वो भी बुलवा लेंगे. तो देखते हैं आज मोहब्बत की इस जंग का अंजाम क्या होता है. अलीशा का दिल कौन जीत लेता है? सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द सिंगिंग सेंसेशन अलीशा चिनॉय एंड द हैंडसम हीरोज मनीष एंड विकास. हेलो
और विकास के लिए
अलीशा, वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस दी है दो हैंडसम मुंडों के साथ. अच्छा, मुझे लगता है अब तो पूछ ही लेना चाहिए. ग्रैंड फिनाले आ गया, दोनों को लड़ते लड़ते 10 हफ्ते हो गए, अब तो बताओ कि आपका दिल किसने जीता. किसको दिल दे दूं ये बता. ओह माय गॉड, विकास को. मेरा दिल विकास की तरफ ज्यादा धड़क रहा है. और मनीष, वेल मनीष, एक मिनट, आपने कहा किसको दिल दे दूं, दिल उधर दे दिया, किसे इधर दे दो. मुझे लगता है ये एक्ट सबसे ज्यादा तो आप तीनों ने एंजॉय किया है. लड़कियों, क्या लगता है आप तीनों को, क्या लगता है कि दिल किसने जीता, विकास या मनीष ने? मुझे लग रहा है कि विकास इज द ट्रेडिशनल शाई बॉय है और इनको देख के लग रहा है मैं छीन के ले लूंगा. तो जो शाई है उनको मुझे लग रहा है थोड़ा सपोर्ट ज्यादा मिलना चाहिए. लेकिन आपको क्या लगता है? देखा नहीं, उधर किस भी मिल गया तुझे. चलो अभी मामला बराबर हो गया. मामला बराबर. एक बार और बोल दे ऐसी बात यार, अच्छा लगा. अभी वो गाल है, अब उस गाल अभी तू बोल तो इधर वाला करूंगा. क्या तूने डांस किया मनीष, फैंटास्टिक. अलीशा, थैंक यू अलीशा. तो ग्रैंड मास्टर से पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है? अरे भैया वो इनके छोड़ो, मैडम को इधर बिठाओ. एक सेकंड, हमारे चक्कर में दादा का मजा खराब किया हुआ है. आओ. वैसे आप दोनों का तो पता नहीं लगता है, ग्रैंड मास्टर ने अलीशा का दिल जीत लिया. तो जोरदार तालियां हमारे दादा के लिए. एंड थैंक यू बॉयज, वेल ट्राइड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू बोना. दादा, आप हमारा शो एंजॉय तो कर रहे हैं ना? बहुत. मतलब आप खुश है ना? बहुत. तो जब कोई इंसान खुश होता है तो उसे जो मांगो उसे मिल जाता है. मांग लो. तो वो ग्रैंड गिफ्ट दे दीजिए ना. अभी ग्रैंड गिफ्ट पेश किया जाए. मेरी मंजिल बुलंदियों से भी आगे है, पर रास्ता डीआईडी ने दिखाया. डीआईडी मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि जो भी हासिल किया है सब डीआईडी की वजह से. डीआईडी, जहाँ कोई नहीं हारता, हर कदम पर डांस जीतता है. ऐसे मंच को जय सलाम करता है. ये स्टेप बचपन से करता आ रहा हूँ, कोई नहीं पहचानता था. अब इस स्टेप के बिना कोई नहीं पहचानता है. थैंक यू डीआईडी. अगर हुनर है, लगन है, तो किस्मत भले मुंह फेर ले, डीआईडी आपको ढूंढी ले. आप मुझे जानते हो, अपना मानते हो, काफी है लाइफ के लिए. थैंक यू डीआईडी. अंग्रेजी के सिर्फ 3 अक्षर मुझे आते हैं, डी आई डी. अपना आईडी तो इससे ही बन गया बॉस. एक आम लड़की आज सबसे बड़ी डांसिंग स्टार, ये सब डीआईडी का ही चमत्कार है. Hey, फिर देख रहा है, आज आंख से देख रहा है, कल हाथ से देख रहा है, आज ढेर छोड़ रहा है, कल खुद ही रुकेगा, आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी
हमारे डीआईडी के स्टार्स, बहुत बहुत मजा आया। ग्रैंड मास्टर, ये झलक देख के लगता है कि सीजन 3 बहुत धमाकेदार होने वाला है। यकीनन, लेकिन उससे पहले मैं तीनों मास्टर और जो स्टेज पे खड़े हैं मेरे, मैं ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूँ। व्हाट अ परफॉर्मेंस। जैसे आपने कहा था, ये ग्रैंड गिफ्ट, एब्सोल्युटली ग्रैंड गिफ्ट था दादा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हमारे डीआईडी स्टार्स, हमें बहुत मजा आया। वंस अगेन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे सारे मास्टर्स, हमारे ग्रैंड मास्टर की, प्लीज आप भी हमारे स्टेज पे आ जाइए। ग्रैंड मास्टर, अब सीजन 3 आने वाला है, तो हम और क्या ज्यादा एक्सपेक्ट करें डीआईडी से? पहले बता दूं कि जनता, आपने डीआईडी को बहुत बहुत प्यार दिया है और उसी की वजह से आज हम लोग इसी मंच पर हैं। इसलिए हमने सोचा है कि डांस इंडिया डांस सीजन 3 ऐसा कुछ करें, कुछ नई चीज लाएं, आप हमें और ज्यादा प्यार करें। पहले साल इस शो ने पहचान बनाई और दूसरे साल में इंडिया में डांसिंग का स्टैंडर्ड सेट किया और काफ़ी ऊंची स्तर पर उसको लेके गया। और इस साल इस शो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि इस शो पे आने वाले टैलेंट हो या ये शो, दोनों ही बॉर्न टू डांस। लेकिन जाने से पहले मैं ये कहकर जाऊंगा, मुमकिन नहीं है हर किसी के लिए डांस के जरिए ऐसा कुछ कर पाना, क्योंकि जो चिंगारी बनकर पैदा होते हैं सिर्फ उन्हीं की फितरत है आग लगाना। वाह वाह वाह। आप कहें या ना कहें, क्या बात क्या बात क्या बात। जाने से पहले आई वॉन्ट टू विश ऑल थ्री ऑफ देम ग्रेट लक। 24 दिसंबर रात 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा डांस इंडिया डांस का सीजन 3, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होप ये सीजन सबसे बेस्ट हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। ख्वाबों की सरजमीन पर अब आ रहा है हमारा एक ऐसा स्टार जो ग्रैंड फिनाले तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे दिलों पर छोड़ गया अपनी यादों के गहरे निशान। मेरे खास दोस्त और इस कंपटीशन के सेमीफाइनलिस्ट सुमित राघवन। हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या समा मिलने लगे।
कयामत हुई। फिर से जोरदार तालियां सुमित के लिए। क्या बात है। थैंक यू मोना। सुमित जी, तुमने हमारे फाइनलिस्ट के साथ सबसे लंबा सफर तय किया है जी, तो आज एक नाम बता दो जो तुम्हें लगता है कि आज यहां से रॉकस्टार का टाइटल जीतेगा। सचिन जी। वाह वाह, थैंक यू सुमित। Please take your seat and enjoy the show. बॉयफ्रेंड चार चार ओ मुना दे बॉयफ्रेंड चार चार केंदी नी मिले आ प्यार प्यार आए मुना गूड़ी साड़ी एनी इत्थे क्यों पा ले। प्लीज किसी से मेरी शादी करा दे यहाँ पर, गाना नहीं तो ना सही। अब किससे किससे करोगी शादी? इधर जो बैठी है ना। अब सचिन जी। नहीं नहीं, 35 साल पैसे भी ऐसे लगते थे, इन्होंने 35 साल बाद भी ऐसे लगना है, 10 साल बाद मैंने इनकी मां लगनी शुरू हो जाना, बिल्कुल नहीं। बातों ही बातों में लेडीज एंड जेंटलमैन, आर वी सीइंग आवर रॉक स्टार? Grand finale of Maruti Suzuki Alto Star, Ya Rockstar! ख्वाबों की सरजमीन पर रॉकस्टार बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए अब आ रहा है वो स्टार जिसने जहां भी कदम रखा बस जीत ही हासिल की, फिर चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो या फैमिली लाइफ हो। लेकिन आज उनके सामने चुनौती है अपनी सिंगिंग के दम पर रॉकस्टार का टाइटल जीतने की। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द एवरग्रीन कलाकार सचिन जी। सचिन जी, हम फैसले के बहुत नजदीक हैं, आपका दिल क्या कह रहा है? आज जीत आपकी ही होगी? हम तीनों फाइनलिस्ट बन चुके हैं, इसका मतलब हम एक तरह से जीते हैं तीनों। सुप्रिया जी, आज जीत आपके पति की होगी या नहीं? अगर मैं आई हूं तो मेरे पति को चीयर अप करने के लिए आई हूं, और मेरे ख्याल से उनकी जीत होगी ही होगी।
श्रेया, आप कुछ कहेंगे डैडी से? आप ऑलरेडी रॉकस्टार बन चुके हैं, नो डिबेट। इन्हें सपोर्ट करने के लिए आ रही है मल्टी टैलेंटेड परफॉर्मर, द प्लेबैक सिंगर ऑफ सुपर हिट सॉन्ग्स लाइक मर जावा एंड पायलिया, द सुपर सिंगर श्रुति पाठक। Brilliant. Sachin ji. Shruti, welcome to the show. Thank you so much. It's absolute pleasure being here tonight. Shruti, Sachin ji aaj aapke saath gaane wale hain and Sachin ji ka experience hai, aapka josh hai, to kya lagta hai? Jeet pakki? Jeet bilkul pakki hai aur wo mere saath nahi, main unke saath yahan par gaane ke liye aayi hu. It's absolutely my pleasure being here singing with you on the stage. Sachin ji, यंग टैलेंट के साथ आपकी पेयरिंग हुई है, क्या लगता है परफॉर्मेंस कैसी होगी? दोनों यंग लोग गाना गाएंगे, अच्छा ही होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हियर इट फॉर श्रुति एंड सचिन जी। कभी हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। Sachin ji and Shruti, very well done. Thank you so much. Thank you so much, Mona. Ladies and gentlemen, are we seeing our rock star?
सचिन जी ने आज सिक्सर मार दिया. लेकिन आपने एक और चीज साबित की, दैट देयर आर नो लिमिट्स, नो एज, एंड यू हैव एन अमेजिंग नेवर से डाई स्पिरिट, एंड इट्स नेवर टू लेट टू परस्यू योर ड्रीम्स, एंड दैट इज व्हाट आई जस्ट लव अबाउट यू, बिकॉज यू आर सो एजलेस एंड यू आर इन एवरीवेयर रॉकस्टार रियली. बस अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा जनता का फैसला. टिल देन थैंक यू सो मच श्रुति एंड थैंक यू सचिन जी. प्लीज टेक अ सीट. थैंक यू. कहते हैं रॉक स्टार बनने के लिए चाहिए अमेजिंग सिंगिंग, सुपर एटीट्यूड, यूनिक स्टाइल और पैशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फैंस, है ना कपिल? फैंस तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं. यस, मेरे, मैं एक बात कहना चाहूंगा, फैन की बजाय जितनी आजकल गर्मी हो गई है, मेरे हिसाब से एसी हो तो ज्यादा अच्छा है. कपिल, यस, हमेशा की तरह आज भी तुमने तीर गलत जगह पे मारा. क्यों? मैं फैन मतलब फैन की बात कर रही हूँ, मतलब जैसे अनु जी के फैंस होते हैं वो ऊपर घूमने वाले फैंस नहीं. अच्छा, फैंस? हम सबके फैंस. मेरे फैन देखना चाहती हो? हाँ, ये लो. और आपसे मिलने तो एक बड़ी स्पेशल फैन आई है. आई है? हाँ. सेट पे मिलेगी कि बाहर बैठे? नहीं, यही अभी लाइव. अच्छा, लाइव मिलने आ रही. हाँ. बुलाओ बुलाओ उसको. मिलना चाहेंगे? या प्लीज प्लीज प्लीज. तो आप सबके लिए आ गया है फैन मेल, जिसमें छुपी है एक फीमेल. जोरदार तालियां. मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था इस सेट पे इतनी लाइट्स होंगी. पता है मेरे गांव में ना, मेरे दादा मरे थे तब भी इतनी लाइट्स नहीं लगी थी. लाइट नहीं थी तभी तो ऐसी बच्चियां पैदा हो गई. कमबख्त, तेरा मतलब ये जो सुंदर सुंदर पैदा हुई है ये लाइट जला के पैदा हुई थी? मैं सच कह रही हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ ना मैं इस शो की, और सबसे ज्यादा इन कंटेस्टेंट्स की बहुत बड़ी फैन हूँ. हाय छवि, छवि तू पता सिंगिंग की दुनिया की ना अर्जुन रामपाल है. जैसे अर्जुन रामपाल है ना, मुश्किल मुश्किल रोल चुन लेता है चाहे निभाए ना ही जाए, उसी तरह तो मुश्किल मुश्किल गाने चुन लेती है, नहीं कभी कभी निभा भी लेती है. हाय विकास, विकास तेरी बहुत बड़ी फैन, बहुत बड़ी फैन हूँ. मत चुम्मिया दे, पहले भरा पड़ा. तुझे हैरानी हो रही होगी ना, कोई हो सकती है भाई उनकी भी फैन. तूने क्या समझा सब तेरी फैन ही होंगी? रागिनी, तेरी तो मैं हर चीज की फैन हूँ, पता है? तेरी आंखें सच्ची, तेरी स्माइल, तेरा गोरा बदन, तेरी फ्रॉक, हाय, तेरी कॉमिक टाइमिंग, मारी डालोगी, हाय, हाय, थोड़ा सा गाना सीख लेती ना, हाय, ए मोना, मोना मेरे को बोल गई ये लड़की से शादी कर ले, कैसी मर्दनुमा लड़की, इसे तू ही ना कर ले. एक मिनट, ऐसी लड़की से शादी मैं तो कुश्ती भी ना करूं, मुझे पता है ये जीत जाएगी. तुम्हें पता है यहाँ पे हो क्या रहा है? तुम्हें पता भी है? हाँ हाँ, क्या हो रहा है? पहले यहाँ बातें हो रही थी, अब तू आ गई, आ बैठ के लूडो खेल लेते हैं. शट अप, तुम बाहर निकलो, खुद से निकल जाओ वरना मैं धक्के देके निकलवाऊंगी यहाँ से. अच्छा, धक्का देगी तू मुझे? हाय रब्बा, बहाने ढूंढ रही है हाथ लगाने के. चुप कर, इसे पता है ना अंदर तो मर्द ही है. मेरे नहीं तेरे अंदर. ओ हाँ, नहीं नहीं ये क्या हुआ, मतलब कि बजट कम है इसका मतलब ये हो गया कि लड़कों को साड़ी पहना के एंकरिंग करा दो? चुप कर मोना, मोना इसको जल्दी से यहाँ से रफा दफा कर दो, 10 मिनट और खड़ी रही इसकी शेव निकल आएगी. सच
सच्ची बात है तेरी, सच्ची बात है। तीन दिन ये भी शेव ना करे तो हम दोनों सगी बहने लगेंगी, पता? बस हो गया, मेरी बेइज्जती करने आई है यहाँ पे? भाई जिस चीज के पैसे मिले मैं तो वही करूंगी ना। प्लीज किसी से मेरी शादी करा दे यहाँ पर, गाना नहीं तो ना सही। अब किससे किससे करोगी शादी? इधर जो बैठी है ना। अब सचिन जी? नहीं नहीं, 35 साल पैसे भी ऐसे लगते थे, इन्होंने 35 साल बाद भी ऐसे लगना है। 10 साल बाद मैंने इनकी माँ लगनी शुरू हो जाना, बिल्कुल नहीं। फिर कौन बचा? एक ही तो बचा है। कौन? वही जिसका पेट निकला हुआ है। हा? जिसके क्यूट क्यूट डकार बड़े अच्छे आते हैं। ओहो कपिल, तूने कब सुने उसके डकार? अरे गाते गाते मार देता ना एक दो डकार। नहीं नहीं ऐसे मत बोल, पता कितने अच्छे चुटकुले सुनाता है ये, इतने अच्छे चुटकुले सुनाता है। मेरे से शादी हो गई ना तो दुनिया ने इस पर चुटकुले सुनाने बाद में। मैंने तुझे सच्ची में बहुत वोट किए हैं, पता है? बहुत वोट किए, इतने वोट मैंने अपने मोहल्ले के काउंसिल को किए होते ना, वो MP बन गया होता अब तक। अब बोल तो बचा। बेटी बेटी बेटी, ये तुम्हारी बेटी है? बेटी होगी तेरी, मेरी तो माँ है। तुम्हारी माँ? हाँ। ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? क्यों, जब अमिताभ बच्चन की माँ मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। वाली राखी हो सकती है तो मैं इसकी माँ क्यों नहीं हो सकती बेटी? मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है बेटी। सच्ची माँ? हाँ। कौन? इमरान हाशमी बेटी, वो तेरे घर पे इंतजार कर रहा है, तू चल मेरे साथ। चल चल। मोना? हाँ। तू भी चुन ले कोई, कब तक दूसरों की शादियां करवाती रहेगी? मेरी नजर में है शक्ति कपूर। हाँ। आजा आजा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। आजा आजा आजा। जोरदार तालियां फॉर सलोनी एंड राजीव। अगले हफ्ते जी टीवी दे रहा है अपने परिवार को ढेर सारे अवार्ड्स, और साथ ही साथ होगा जी परिवार के रिश्तों का सबसे बड़ा जश्न। तो अगले रविवार यानी 18 दिसंबर को रात 8 बजे देखिए जी रिश्ते अवार्ड्स, रिश्तों का सबसे बड़ा जश्न, ओनली ऑन जी टीवी। रिश्तों का बिगेस्ट सेलिब्रेशन। सच नहीं होता, नाटक होता है। क्या बात करती रहे? हाँ। फिल्म में कुछ सच नहीं होता? नहीं। हाय दैया। क्या हुआ? ये घटी पिक्चर में तो तुषार कपूर ने मेरे साथ सब कुछ सच सच में कर लिया। रिश्ते अवार्ड्स कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, दिल के करीबी है। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग। वाओ यू आर देयर बट आई नीड मोर उम्फ। व्हाई दिस मोना वेयरिंग मोना वेयरिंग ऑलवेज साड़ी। ओ मोना दे बॉयफ्रेंड चार चार
to the grand finale of Maruti Suzuki Alto Star Yeah Rockstar. Volagathale romba languages irukku. English, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, idha pola. Ana entertainment oda language onne onnu da. And the language verum unga ullam da purinjikum. அப்புறம் உள்ளதாம் அத என்ஜாய் பண்ணும். ஐயோ 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 சுமிதா, வாட் யூ ஸ்பீக்கிங் ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பில்குல் சஹி போலா, என்டர்டெயின்மெண்ட் கி கோயி லாங்குவேஜ் நஹி ஹோதி. ஐயோ சுமிதா, ஹமாரே ஊபர் சவுத் இண்டியன் ஸ்டார்ஸ் கா புகார் சட் கயா ஹை ஆர் ஆப்கே ஊபர் பீ சட்னே வாலா ஹை, கியூகி இந்தியா கே லேட்டஸ்ட் சென்சேஷன் கோலாவரி டீ கோ கிரியேட் கர்னே வாலே சூப்பர் டேலண்டட் கலாகார் यहां आप पहुंचे हैं. सो प्लीज वेलकम द कोलाबरी टीम, सुपरस्टार दानुष एंड म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र. First of all, Dhanush and Anirudh, many, many congratulations on the super success of Kolhapuri D. Thank you so much. Dhanush, ye jo aapne baan choda hai, Kolhapuri D ka. First, please tell us the meaning of Kolhapuri. The context here is, why did you do this to me? Why this hatred towards me? As simple as that. Yeah. Oh, okay. Lekin hume ek baat bataye. रोज लाखों लोग आपके गाने को डाउनलोड कर रहे हैं. जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब आपने सोचा था कि इतना बड़ा हिट होगा? Not at all. In our wildest dreams also, if we can't dream, we can't even imagine that it's going to be such a hit. So we're really, really happy and thankful to all of you. मोना, मुझे लगता है मतलब ये इतने सिंपल है, दोनों की सिंपलिसिटी में से ही कोई चमत्कार होता है हमेशा. बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री. और इस वक्त आपको कैसा लग रहा है कि पहली बार एक रियलिटी शो में आप नेशनल टेलीविजन पे अपना गाना परफॉर्म करने जा रहे हैं? हाउ यू फीलिंग अबाउट इट? आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ दिस, यू नो, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस शो. आई एम रियली ग्लैड, आई नेवर थॉट आई वुड बी हियर. हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको लाइव परफॉर्म करते देखने के लिए, लेकिन हर अच्छी चीज़ से पहले थोड़ा इंतज़ार ज़रूरी होता है. सो प्लीज़ टेक योर सीट एंड एन्जॉय द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जोरदार तालियां हो जाए धनुष और अनिरुद्ध के लिए. फैंटास्टिक, ग्रेट गाइस. कोलावेरी परफॉर्मेंस होगा बस कुछ ही देर बाद, पर उससे पहले होगा एक सुपर परफॉर्मेंस बाय द डिवास ऑफ आवर शो. हमारे शो की चार स्टार लेकर आ रही हैं ऐसे लेटेस्ट नंबर्स जिन पर झूमता है सारा जहां. सो गेट रेडी टू रॉक विद द गॉर्जियस देबीना, द स्वीट नेहा, द बबली एंड ब्यूटिफुल रागिनी एंड द फाइटर छवि मित्तल. Make up hai bahar.
चाहिए. वेरी वेल डन रागिनी, छवि, नेहा, देबीना, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन एक बार फिर से इस मंच पर आकर कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा लग रहा है. आज तो बिल्कुल माहौल ही डिफरेंट है. हम सब ऐसा लग रहा है जैसे पहला एपिसोड फिर से हो रहा है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर हैं और इतने अच्छे अच्छे गेस्ट भी आए हुए हैं, जजेस बैठे हैं. आई थिंक इट्स वंडरफुल. एब्सोल्युटली धनुष, ये चारों लड़कियों ने आपके लिए डांस किया है. दे ऑल परफॉर्म्ड ओनली फॉर यू. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देयर परफॉर्मेंस? First of all, thank you so much. You guys did a beautiful job. You all look beautiful too. And I would like to perform for you and you all too. So. बिल्कुल, ladies and gentlemen, ये है इशारा आज के one of the finest performance की तरफ. So please welcome the sensational song makers Dhanush and Anirudh performing live for the first time on Indian television. Thank you, ladies. I would like to have a word before I start. You guys should sing with me. Yeah! All right? You guys join me by the scholar very there. You guys join with me, okay? All the way the scholar very is, right? All right, you guys, please. Music. Yo, boys, I am singing song. Soup song, flop song, why this cola very cola very cola very tea? Sing along. Why this cola very cola very cola very tea? Rhythm correct. Why this cola very cola very cola very tea? Why this cola very party? Distance la moon 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 color white white background night 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 color black. Why this cola very cola very cola very deep? Why this cola very cola very cola very deep? White skin girl 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 heart black. Ice ice meet meet my future dark. Why this cola very cola very cola very deep? Why this cola very cola very cola very deep? Mama, no sir to go. Ab dekha hai la snacks sir to go. Papa 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 ma baba. Seriya vas. I can't hear you guys. You have to be a lot louder. Super mama, now tune change. Kaila glass. Only English, huh? Hand la glass. Glass la scotch. Eyes full of tear. Empty life. Girl come. Life reverse gear. Love, love. Showed me power, cow, cow, holy cow. I want you here now. God, I am dying now. She is happy, how? This is song for Sue boys. We don't have choice. Why this cola very, cola very, cola very deep? Yes,
yes. One, two, three, yeah. Why this cola very, cola very, cola very deep? Louder, one more time. Why this cola very, cola very, cola very deep? Why this cola very, cola very, cola very deep? Why this cola very, cola very, cola very deep? Why this cola very, cola very, cola very deep? Why this cola very, why this cola very? Why this? Why this? Why this? Why this? Why this? Why this cola very, cola very, cola very, cola very deep? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dhanush. Thank you, Anirudh. You were so good. बहुत मजा आया. Thank you. So much talent. And I think आप लोगों को thank you बोलना चाहिए that you guys have come here to our grand finale and sang for us for the first time on Indian television. मजा आ गया. एक बार फिर से जोरदार तालियां. Anirudh, coming to you. How young are you? I'm not going to ask you how old are you. I just turned 21. You turned 21. And already a hit composer, Anirudh. Wow! एक बार फिर से जोरदार तालियां दोनों के लिए. Sumit, हमारे एक और सिंगर हैं. He's made his own version of your song. Oh, lovely. So would you like to hear that too? Of course, of course. All right, Sumit, give it up for Sumit. Why this Mona wearing always sari? Hey, why this Mona wearing always sari? Rhythm correct? Why this Mona wearing always sari? Hey, hey, hey! Why this Mona wearing always sari? Finalist moon. बाकी कंटेस्टेंट सिक्स सिक्स फाइनलिस्ट मूण मूण बाकी कंटेस्टेंट सिक्स सिक्स अनु अलीशा ऑलवेज आरन वेरी मच फिक्स फिक्स वाई दिस मोना वेरिंग ऑलवेज साड़ी वाई दिस मोना वेरिंग ऑलवेज साड़ी pa 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 hey why this mona wearing always sari ek aur beech mein addition why this mona wearing always sari addition punjabi mein addition punjabi mein ha punjabi addition punjabi mein addition punjabi mein do line I'm just trying to make in punjabi version home pam 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 ओए क्यों मोना ने इन्नी गूड़ी साड़ी इत्थे पा ली ओए क्यों मोना ने इन्नी गूड़ी साड़ी इत्थे पा ली ओ मोना दे बॉयफ्रेंड चार 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 केंदी नी मिले आ प्यार प्यार आए मोना गूड़ी साड़ी एनी इत्थे क्यों पा ले थैंक यू ओए बा 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 कम ऑन सिंग विद मी बा 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 हो व्हाई दिस गोला वेरी गोला वेरी गोला वेरी डी प्लीज गिव देम बिग हैंड बिग हैंड जोरदार तालियां थैंक यू Thank you, Sumi. Thank you, Kapil. अपना ये superb version जो आपने सुनाया है. And thank you, Anirudh. Thank you, Dhanush, for being a part of our grand finale. Pleasure. For making our show even more interesting. And we wish you all the best for your upcoming film. Thank you. And you guys don't go anywhere, क्योंकि हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं right after this short break. Only on Maruti Suzuki Alto Star, या Rockstar. दिल का मामला है, दिल पर खून का तोड़ है, इस दिल पर गलबली है दिल के अंदर.
प्रूव कर दिया है कि तुम इतने बड़े फनकार के साथ खड़े होकर स्टेज पर ऐसा गाना गा सकते हो, ये भी काबिले तारीफ। थैंक यू नुसर। के तुम्हारे गीत तल जाएंगे संगीत की कड़ाई में, वाह वाह। तुम्हारे गीत तल जाएंगे संगीत की कड़ाई में, गौर से सुनो, एक बंदरिया ट्रॉफी ले जाएगी दो शेरों की लड़ाई में। महाराष्ट्र माजा